लगातार 25 दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बाबरी मस्जिद मामले को लेकर के जो सुनवाई चल रही है उस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कासिम रसूल इलियास साहब, जो कि बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वेनर भी हैं। मैं कासिम रसूल इलियास साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो 25 दिन की क्या कारकर्दगी रही और इन 25 दिन में कोर्ट में क्या लेखा जोखा पेश हुआ, बता सकते हैं? पहली बात तो यह है कि मेडिएशन फेल हो जाने के बाद सालिसी की जो कोशिश हो रही थी कोर्ट में लगातार डेली इसकी सुनवाई हो रही है। पहले हिंदू फरीकों ने अपनी बात रखी और उन्होंने हिंदू फरीकों ने पहली बात तो ये कि उसमें निर्मोही अखाड़ा, रामलला के दोस्त और रामलला के सरपरस्त इस तरह के और राम जन्मभूमि न्यास इस तरह के लोगों की तरफ से बात आई। इन्होंने जो है इनकी पूरी गुफ्तगू में हासिल ये था कि हमारी आस्था है और आस्था के लिए कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं पेश किया गया और किसी ने कहा कि ये हमने परिक्रमा की है यहाँ पर, इस वजह से ये जगह जो है वो मुकद्दस हो गई हमारे लिए। किसी ने कहा कि ये मूर्तियाँ प्रकट हुई है यहाँ पे, इस वजह से ये जगह जो है वो राम जन्मभूमि है। किसी ने कहा कि पूरी ज़मीन जो है, ये जो पूरी ज़मीन है वही डीटी है, यानी वही मुकद्दस है और वही अपना केस लड़ने के लिए सक्षम है। तो अब ये पूरी बहस जाने, अच्छा उसके बाद बाद लोगों ने यूरोपियन सयाहों के जो 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 किताबें हैं या उनके जो सफ़रनामे हैं उन पर रिलाई किया और उसमें ये कहा कि यूरोपियन सयाहों ने ये कहा है कि ये ज़मीन बाबरी मस्जिद, ये ज़मीन राम जन्मभूमि की ज़मीन है और उसमें टिफिन ठेलर को ख़ासतौर से उन्होंने पेश किया, जो इटालवी सयाह था, इटालियन सयाह था, और उसमें टिफिन ठेलर ने यह कहा है कि यहाँ के हिंदू ये दावा करते हैं कि ये राम यहीं पैदा हुए थे। लेकिन बहरहाल इसके बाद हुआ ये कि जब हमारे वकील डॉक्टर राजू धवन ने इन सब चीज़ों का जवाब देना शुरू किया तो पहली बात तो उन्होंने ये कही कि ये जो हिंदू फरीक़ैन हैं इनके दावे कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे से मुतसादिम हैं। कभी ये दावा करते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है वो बाबर ने तामीर की, कभी ये दावा करते हैं कि बाबर ने हिंदू टेम्पल को तोड़ के मस्जिद बनाई, कभी ये दावा करते हैं कि नहीं बाबर ने नहीं, औरंगज़ेब ने इसको तोड़ा था, औरंगज़ेब ने तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई है। कभी ये दावा करते हैं कि निर्मोही अखाड़ा का दावा ये था कि ये जो राम लल्ला हैं और राम के दोस्त हैं और राम जन्म न्यास हैं, इनके दावे गलत हैं, हमको ही यह हासिल है कि हम यहाँ पर यहाँ के शबोयत हैं, शबायत हैं और हमें ही हासिल है कि हम यहाँ पर पूजा पाठ करें, और चूँकि जो चबूतरा था उस पर हमारा दावा था तो उस पर हमको अंदर का दावा ही मिलना चाहिए। तो एक दूसरे को ये लोग कंट्रडिक्ट भी कर रहे हैं। तो हमारे डॉक्टर धवन ने पहली बात तो निर्मोही अखाड़े के दावे पर बात की। पहली बात उन्होंने ये कही है कि जो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने खुद पेश किया है उससे ये साबित होता है कि जो निर्मोही अखाड़े का चबूतरा था वो मस्जिद के बाहरी सहन में था और वो भी 1857 से है, उससे पहले वहाँ कोई चबूतरा भी नहीं था और उस चबूतरे के बारे में ये आमतौर पर कहा जाता था कि यहाँ राम पैदा हुए और उस चबूतरे के बारे में भी ये बात कही गई है कि जब इन्होंने ये दावा किया कि हमको यहाँ पर मंदिर का शेड डालने की इजाज़त दी जाए तो उस वक्त के जो सब जज थे फैजाबाद के उनकी अदालत में इन्होंने दावा पेश किया था। उस सब जज ने जो हरकिशन से जो पंडित थे उन्होंने उस दावे को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, ये मस्जिद बिल्कुल उसके एडजेसेंट मस्जिद है और मस्जिद में अगर मस्जिद के बाहर अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो मस्जिद में मुसलमानों को डिस्टर्बेंस होगा। तो उसके बाद इन्हीं ने अपने दावे में ये बात कही थी कि हमारे मगरिब में मस्जिद है और मशरक और पूरब के अंदर जो है वो कब्रिस्तान की ज़मीन है। तो जब ये अपने दावे में ये साबित कर रहे हैं कि हमारे मगरिब में मस्जिद है और हमारे पश्चिम में जो है वो पश्चिम में मस्जिद है और सामने कब्रिस्तान है तो फिर वो अपने दावे को कैसे कंट्रडिक्ट कर सकते हैं, खुद अपना प्रूफ दे चुके हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद में इन्होंने ये कहा था कि 1934 से 1949 तक मुसलमानों ने नमाज नहीं पढ़ी वहाँ पे। तो हमने यानी सबूतों के बुनियाद पर हमारे पास जो एविडेंसेस थे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश हुए थे उनके बुनियाद पर ये साबित किया कि 1934 से 1949 तक बराबर वहाँ नमाज होती रही है। 22 दिसंबर 1949 की रात में कुछ शरपसंदों ने मूर्तियाँ अंदर रख दी और उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि ये राम जन्मभूमि है। हमने ये बताने की कोशिश की कि 1949 से पहले इनका कोई दावा मस्जिद के ऊपर नहीं था, हमने यानी बाबरी मस्जिद पर कोई दावा इनका नहीं था, बाबरी मस्जिद पर कोई दावा नहीं था। और 1989 में ये जो रामलला के दोस्त की हैसियत से जो आए हैं इसके अंदर अग्रवाल साहब, ये देवकी नंदन अग्रवाल जब आए हैं
राम जन्म न्यास की बुनियाद पर। ये 1989 में आकर इन्होंने कहना शुरू किया कि यहाँ राम प्रकट हुए थे और ये मस्जिद ही ये पूरी ज़मीन ही राम जन्मभूमि है और ये यही डीटी है, यहीं पर जो है वो इनको तकद्दस हासिल है। उसकी वजह धवन ने ये कही है कि 1989 से पहले कोई दावा इस बात का नहीं था कि यहाँ राम प्रकट हुए हैं, और उससे पहले तक अगर इनको ये प्रकट होने का दावा करना था तो ये 1949 में जब मूर्तियाँ अंदर रखी गई थी उसी वक्त ये दावा करते थे कि ये राम यहाँ प्रकट हुए। तो ये बात इसलिए ये दावा लाया गया, मतलब आज़ादी के बाद जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1949 में लगभग 2 साल बाद ये बात सामने आती है कि बाबरी मस्जिद जहाँ बनाई हुई है फैज़ाबाद में अयोध्या में, वो जगह जो है वो राम की जन्मभूमि है, यानी 1949 में। मैं आपसे कासिम रसूल इलियास साहब ये जानना चाहूँगा कि इन्हीं सुनवाई के दौरान इन 25 दिन में सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग पहलू भी सामने आए हैं, और उसमें बाकायदा ये भी कहा गया निर्मोही अखाड़े की तरफ से, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने दस्तावेज पेश कीजिए, वहाँ के मालिकाना हक के सबूत दिखाइए, तो उन्होंने कहा डाकू लेके भाग गए और तमाम वो चोरी हो गया। इस सब के ऊपर ये क्या चल रहा है, 25 दिन इसका मतलब कुछ नहीं हुआ? नहीं, यही तो हमारे वकील सब कह रहे हैं कि अगर आपके पास के कागजात खो गए हैं तो आपने जमा तो किए होंगे कोर्ट के अंदर में, वो डॉक्यूमेंटेशन बताइए कहाँ है। तो बहरहाल डॉक्यूमेंटेशन इनके पास कोई दस्तावेज सबूत नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि यहाँ पे यही राम जन्मभूमि है। तो किस आधार पे लड़ रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद नहीं राम जन्मभूमि है, किस आधार पे लड़ रहे हैं? मसला ये है, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है, कि डॉक्टर राजू धवन ने कहा कि 1989 में जो सूट दाखिल किया गया था राम लल्ला के दोस्त की हैसियत से देवकीनंदन अग्रवाल के जरिए से, ये इसी बुनियाद पर दाखिल किया गया था कि अगर ये दावा किया जाए कि ये राम यहाँ प्रकट हुए हैं और यह पूरी जमीन जो है वो डीटी है, तो उससे ये होता है। डीटी क्या है अगर व्यूअर्स को समझाएं तो? डीटी का मतलब ये होता है कि ये मुकद्दस जमीन है जिसकी पूजा हो सकती है, यानी सेंटीमेंट्स के आधार पे। सेंटीमेंट तो उनका कहना ये है कि हिंदू धर्म की हिंदू मैथोलॉजी के एतबार से डीटी को और यानी मूर्तियों को ये कहा जाए यहाँ प्रकट हुई थी, तो उसको ये हक मिल जाता है कि वो अपना केस खुद लड़ सके, और अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर से कब्जे मुखालिफाना लिमिटेशन ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, इसकी कोई हैसियत नहीं बाकी होती है। तो इसलिए ये लोग लाए इसीलिए इस बुनियाद को बनाकर कि वो समझते हैं कि कोर्ट को अगर ये समझा दें कि ऐसा हुआ था तो उससे क्या होगा कि वो बाकी जो दावे हैं पूरे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर हसन ने ये बात कही कि देखिए जो ये जो कंसेप्ट है आस्था वाला कंसेप्ट है उसके लिए भी कोई चीज़ साबित वो दिखनी चाहिए, कोई आसार नज़र आने चाहिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि भाई कहीं कोई चीज़ प्रकट होती है, कोई चीज़ निकलती है वहाँ से, तो उसका कोई आसार होता है ज़मीन के अंदर, कोई गड़ा पैदा हो जाए, कोई चीज़ बाहर आ जाए घर के सामने, ऐसा कोई आसार वहाँ नमूदार नहीं हुआ। दूसरी बात उन्होंने कही कि परिक्रमा को अगर बुनियाद बनाया जाए कि अगर हमने यहाँ पर तवाफ किया इस जगह का इसलिए चक्कर लगा लिए मुकद्दस हो गई, तो उनका जस्टिस भूषण मेरे साथ चले, हम दोनों चल के सिविल लाइन का तवाफ कर लेते हैं, तो क्या वो ज़मीन भगवान की ज़मीन बन जाएगी क्या इस तरह से? तो ये इसको भी उन्होंने रद्द किया। तीसरी बात उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप कहते हैं कि ये जो प्रकट होते हैं या ये जो चीज़ें शंभूत का तस्वुर है आपके यहाँ, तो अगर ये कहा जाए कि चांद और ये सूरज ये भी शंभू प्रकट हो रहे हैं तो इसको इसी को भी पूजा कर ली जाए, उन्हीं को भी अख्तियार मिल जाए कि वो अपना मुकदमा खुद लड़े कोर्ट में आकर, तो क्या ये चीज़ जायज़ होगी? तो ये सब बातें हुई हैं। अब देखिए इस वक्त में अदालत के सामने बात बहुत ही चीज़ें आ रही हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड हैं, ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड से कोई चीज़ साबित नहीं किया जा सकती, सयाहों के रिकॉर्ड से, सयाहों ने किससे पूछ कर लिखा, किसने क्या बताया, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, ये कोई चीज़, यानी सुप्रीम कोर्ट इसको समझ रहा है कि जिन भी ट्रैवलर्स ने, जो भी सयाह यहाँ आया करते थे और उन्होंने अपनी किताबों में जाकर के लिखा बताया, वो लोगों से ही पूछकर लिखा होगा, जाहिर सी बात है उस वक्त में, तो सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं मान रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल मानेगा। देखिए हम तो इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या फाइनल फैसला करेगा ये तो वक्त बताएगा। हमने ये बताने की कोशिश की कि सयाहों के जो बातों को ये हिंदू फरीक पेश कर रहा है उसकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू नहीं है। सयाह कौन सा सयाह कहाँ से आया, उसने किस बुनियाद पर लिखा, किससे पूछ कर लिखा, वो शख्स कितना ऑथेंटिक था, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी बात ये कि हमने ये भी साबित करने की कोशिश की कि इसके अंदर ये जो कहा गया कि शिया वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये हमारी ज़मीन है इसलिए कि मीर वाकई ने बनाई थी इसलिए हम इसको जो है इन लोगों को दे देते हैं, तो उनका शिया वक्फ बोर्ड की कोई हैसियत नहीं है इसके अंदर,
और 1949 से लेकर अब तक यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का नफा बेचने का फैसला हो रहा था, शिया वक्फ बोर्ड उसमें बीच में आया नहीं है। फिर हमने ये बताया कि खुद शिया हजरात ने जो इस बाबरी मस्जिद के केस में डिपोज किया है, मौलाना कल्ब जवाद ने, मौलाना कल्ब सादिक ने, मौलाना एक मुतवली थे, उन्होंने उन सब ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन जो है वो एक मस्जिद है और ये अल्लाह का घर है, इस ज़मीन को न बेचा जा सकता है न इसको फरोख्त किया जा सकता है, और ये कहा कि राम जन्मभूमि न्यास का दावा जो है वो गलत दावा है। तो शिया हजरात तो खुद इसके अंदर डिपोज कर चुके हैं। उसके बाद आज डॉक्टर धवन ने कल वो एक हिस्टोरियन की एक रिपोर्ट है, चार हिस्टोरियन थे जो नरसिम्हा राव ने अपने ज़माने में प्रोमिनेंट वक्त चार हिस्टोरियन से पूछा था कि आप ये बताइए क्या यहाँ पे कभी राम जन्मभूमि का कोई दावा कहीं मिलता है हमको किसी किताब में, किसी जगह पर, हिंदुओं के पुराण में, यहाँ वहाँ। तो उन्होंने पूरी तफसील से जायज़ा लेने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की और वो रिपोर्ट एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है। कल कोर्ट ने ये कहा गया था कि वो जो रिपोर्ट है तारीख़दानों की, हिस्टोरियंस की, वो रिपोर्ट उनका ओपिनियन है, ओपिनियन की क्या हैसियत है। तो हमने आज धवन ने ये कहा कि वो मेयर ओपिनियन नहीं है, गवर्नमेंट ने उसे मांगा था, चार में से तीन तो दस्तखत मौजूद है उसके अंदर में, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिलाय नहीं किया तो उसकी गलती है, लेकिन वो रिपोर्ट एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, उन्होंने पुरानों का मुताला किया, उन्होंने हर चीज़ का मुताला करने के बाद सबमिट किया है, उस रिपोर्ट का जिक्र करना चाहिए। और उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता कहा है कि इसका कोई सबूत, इसका कोई दावा, इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है तारीख में और कहीं भी जिससे ये साबित हो सके कि राम यहीं पैदा हुए थे। राम जी तारीख के अंदर जो चीज़ मिलती है वो ये मिलती है कि अयोध्या में राम जन्म स्थान है, लेकिन पिन पॉइंटली इसी यही जगह है वो जहाँ राम पैदा हुए थे, जहाँ बाबर ने मस्जिद बनाई, जहाँ मस्जिद बनी हुई थी बाबरी मस्जिद, इसका कोई सबूत किसी किताब में, किसी डॉक्यूमेंट में, किसी हिस्टोरिकल बुक में मौजूद नहीं है। वाल्मीकि रामायण को देख लीजिए, चरितमानस को देख लीजिए, या पुराणों को देख लीजिए, इन सब में से कहीं ये साबित नहीं होता कि यहाँ राम पैदा हुए थे। इसलिए ये दावा जो है ये 1979 में किया गया कि ये राम प्रकट हुए थे यहाँ पे, इसलिए हमको दे दिया जाए, इसकी कोई हैसियत नहीं। यानी 25 दिन लगातार जितनी भी बहस चलती आ रही है उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो बात निकल कर सामने आई है अब तक, वो कोर्ट ने यही माना है कि इस जगह को सिर्फ ये कह देना कि परिक्रमा इसकी की गई, चक्कर इसके लगा लिए गए और राम प्रकट हो गए, या सबूतों के जिस वक्त मांगा गया तो सीधे तौर पर बताया गया कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से कि किसी तरीके का उनके पास में डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है और वो चोरी हो चुके हैं। बावजूद इसके डॉक्टर धवन, राजीव धवन को इसमें लगातार जो है वो जान से मारने की कभी धमकी आ जाती है, कभी केस वापस लेने की बात आ जाती है, तो क्या कोर्ट इस चीज़ को भी कंसिडर करेगी कासिम रसूल इलियास साहब, और आप लोग इसको किस नुक्ते नज़र से देख रहे हैं कि अगर यहाँ तक मामला आ रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उधर अंसारी साहब के बेटे के ऊपर भी दबाव है, वहाँ भी जान से मारने की धमकियाँ आ रही हैं कि बाबरी मस्जिद का मामला जो है वो ख़त्म किया जाए, वापस लिया जाए। देखिए असल में ये सब चीज़ों से ये साबित होता है कि जिन लोगों के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है वो ताकत के जरिए से, धौंस धांधली के जरिए से इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो दरमियान में फिर से एक बार बातचीत का और सालिसी का जो सोचा छोड़ा गया है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है, तो इससे ये पता लगता है कि ये लोग महसूस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका आर्गूमेंट कमज़ोर पड़ रहा है और मुस्लिम फरीक के आर्गूमेंट बहुत मजबूती के साथ में आ रहे हैं, इसलिए ये समझते हैं कि अब कोई और रास्ता निकाला जाए जिससे कम मुकदमे को अपने हाथ में ला सकें। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन ऐसी है, मसाले हक की जो बात बार बार आ रही है, पहले भी कई बार आई, दसियों साल लगातार आप और हम लोग तमाम देखते सुनते रहे, क्या आपको लगता है ऐसा कि ये अब फिर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 25 दिन या 40 दिन लगातार सुनवाई होने के बाद में कुछ ऐसा टाइम आ जाएगा अक्टूबर के महीने में, जहाँ तक मुझे बताया गया है कि रिपोर्ट फाइल करनी है, क्या मसाले हद से अब फिर हल करने की बात कही जा रही है तो हो जाएगा? देखिए कोर्ट ने इस पर यह फैसला दिया है कि अगर जो लोग बातचीत करना चाहते हैं, मेडिएशन करना चाहते हैं, वो मेडिएशन करें, जो नहीं करना चाहते वो ना करें, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई नहीं रुकेगी, कोर्ट की कार्रवाई बराबर जारी रहेगी। अगर मसाले हद के जरिए से किसी जगह वो पहुँच जाते हैं तो वो कोर्ट में सबमिट कर दें, लेकिन जाहिर बात है जब तक तमाम फरीक तैयार नहीं होंगे बातचीत करने के लिए उस वक्त तक एक बातचीत किसी तक नहीं पहुँचेगी। अब तक के जो बात आई है निर्वाणी अखाड़ा जो है जो इस केस में पार्टी नहीं है, वो और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बातचीत का दावा पेश किया है, तो उनकी बातचीत होगी, उस बातचीत का कोई हासिल नहीं है। कासिम रसूल सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, बीजेपी के इतने कद्दावर नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, कानून के
जानकार हैं, तमाम चीज़ जानते हैं और मेरे ख्याल में बड़े वकील भी हैं, क्या सुब्रमण्यम स्वामी को इस तरीके का बयान देना वाजिब था या ऐसा देना चाहिए? कोर्ट उसको किस तरह ले रही है कि उन्होंने कहा कि जब चाहेंगे तब राम मंदिर बना लेंगे, तो ये इस तरीके की बात को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग भी और कोर्ट भी? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी, ये उनका मामूल है कि वो इस तरह के शोशे छोड़ते रहते हैं, मुस्तकिल इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो तो हमारी आस्था है, हम जब चाहें मंदिर बना लेंगे, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। तो उनके उनकी बातचीत में कोई बुनियाद नहीं, उनकी बातचीत से कहीं ऐसा लगता नहीं कि वो बहुत बड़े कानून के जानकार हैं और अच्छे वकील हैं। वो ऐसी बेबुनियाद बातें मुस्तकिल कहते रहते हैं, लेकिन उसकी ना कोर्ट उसको संजीदगी से लेता है, ना कोई उसको संजीदगी से लेता है, कोई संजीदगी से नहीं लेता। अच्छा, इसमें जितने भी पक्षकार थे, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड निकल करके सामने आया हो या और दूसरे, चाहे हिंदू तंजीमें थी, सबको अब से लगभग 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इसमें जमीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा, यही जो है वो पक्षकार ही रहेंगे। ऐसे मौके पर जमीयत उलमाए हिंद के जो कायदीन हैं, उनका आरएसएस प्रमुख से मिलना, बीजेपी के लिए ये कहना कि इस वक्त में हालात हाजरा को देखते हुए कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, इसको कैसे देख रहे हैं कासिम साहब? क्या बाबरी मस्जिद का मसला निकल सकेगा ऐसे मोहन भागवत से मिल लीजिए या नरेंद्र मोदी से? देखिए, मोहन भागवत से मुलाकात जो हुई थी मौलाना असद बंदी साहब की, उसका कोई ये पस मंजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद के केस में, बल्कि वो ये था कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो नफरत की फिदा पैदा हो रही है, उसको कैसे डायल्यूट किया जाए, उसको कैसे रोका जाए। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने मुलाकात ज़रूर की है, लेकिन हम जानते हैं कि आरएसएस अपने एजेंडे पर काम कर रही है और वो समझती है कि इस वक्त उसकी हुकूमत कायम है, जो चाहे कर सकती है, इसलिए उससे ये तवक्को रखना कि वो नरम पड़ जाएगी, वो बातचीत से कुछ मसले को हल करने की कोशिश होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आरएसएस एक कट्टरपंथी हिंदू तंजीम है जो अपने एजेंडे पर गामजन है, वो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, मुसलमानों को नफरत के बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई, यानी हिंदुओं को भड़काना चाहती है, वो इस एजेंडे पर गामजन है। वो हमारी मुलाकातों से उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी, इसका कोई मुझे इम्कान नज़र नहीं आता। आखिर में जाते हुए आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने कब तक का टाइम दिया है कि ये जो लगातार बहस चल रही है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को लेकर के, इसमें कब कहा है कोर्ट ने कि फाइनली रिपोर्ट फाइल की जाए? देखिए, कोर्ट ने ये कहा कि आप लोग अपना आर्गूमेंट कब तक कम्प्लीट कर लेंगे, इसलिए कि देखिए ये सुप्रीम जो हमारे चीफ जस्टिस है जिनकी बेंच में ये हो रहा है, वो 17 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, 17 नवंबर को वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो इससे पहले वो इस केस को निपटाना चाहते हैं। तो इससे उन्होंने ये पूछा कि आप लोग अपनी बहस कब तक कंप्लीट कर देंगे। हमारे तरफ से ये कहा गया कि हम एक हफ्ता दो हफ्ता और देंगे इसके अंदर, उसके बाद हिंदू फरीक दोबारा अपनी बहस करेगा। और उम्मीद यही है, कोर्ट ये चाहता है कि 18 नवंबर तक के 18 अक्टूबर तक के ये हमारे तमाम फरीकों की बहस मुकम्मल हो जाए, तो कम से कम उसके बाद 1.5 महीने का टाइम मिले रिपोर्ट को लिखने के लिए। तो हम समझते हैं कि कोई इस पर एतराज़ नहीं है और हमारी बहस जिस रफ्तार से चल रही है, डेट पे हियरिंग हो रही है, कोर्ट ने ये भी कहा कि हम छुट्टियों को भी ख़त्म कर देंगे, छुट्टी के दिन भी बहस करेंगे, तो हमें ये तवक्को है कि 15 नवंबर तक के उम्मीद है इंशाल्लाह इस मुकदमे का फैसला आ जाएगा, उस मुकदमे का फैसला आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम रसूल इलियास। ये पूरे मामले की जिस तरीके से 25 दिन तक लगातार सुनवाई होती रही सुप्रीम कोर्ट में, और अब क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अक्टूबर में जितनी भी बहस की जा रही है उसकी एक रिपोर्ट जल्द से जल्द फाइल की जाए, और जिस तरीके से कासिम रसूल इलियास साहब बता रहे हैं कि बहुत जल्दी यानी नवंबर तक उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस मामले पर फैसला आ जाए, और क्योंकि निर्मोही अखाड़े का मामला हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसको पूरी तरीके से देखना होगा और मामले को तय कर कर बताना होगा कि आखिर वो जगह जो कि बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है कि वो वहाँ बाबर की मस्जिद थी या फिर वो फिर राम जन्मभूमि थी। तो ये तमाम पहलू हैं, इस पर नज़र बनी रहेगी और हिंदुस्तान लाइव पर आपको इसी पूरे मामले को लेकर फिर से हाजिर होऊंगा और कासिम रसूल इलियास साहब के साथ में फिर से कोशिश करूंगा कि आप तमाम लोगों तक वो सही खबर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पहुंचाई जाए।